राशिद खान के गेंदों पर इस बल्लेबाज ने लगाए लगातार 5 छक्के, अकेले चीन ली जीत, बनाया अनोखा रिकॉर्ड। वेस्ट इंडीज के माया नाज ऑलराउंडर कैरन पोलार्ड ने इंग्लैंड की दी 100 लीग में बल्ले से तहलका मचा दिया। पोलार्ड ने लगातार 5 छक्के लगाकर सुर्खियों में आ गए। उन्होंने ये छक्के वर्ल्ड क्लास अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान की गेंदों पर लगाए, जो बहुत से बड़े बड़े बैट्समैनों को तिगनी का नाच नचाया करते थे। नई दिल्ली वेस्ट इंडीज के माया नाज ऑलराउंडर कैरन पोलार्ड ने इंग्लैंड की 100 लीग में बल्ले से तहलका मचा दिया है। पोलार्ड लगातार 5 छक्के लगाकर सुर्खियों में आ गए। उन्होंने ये छक्के वर्ल्ड क्लास अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान की गेंदों पर लगाए। पोलार्ड की इस धमाका खेज इनिंग की बुनियाद पर साउदर्न ब्रेव ने ट्रेंट रॉकेट्स को 2 विकेटों से शिकस्त देकर तारीखी जीत अपने नाम की। एक वक्त में 78 रन के मजमू स्कोर पर साउदर्न की ब्रेव की 6 विकेट गिर चुकी थी। इसके बाद पोलार्ड के नाम का तूफान आया, जिसने अकेले ही बारी हुई मैच का पांसा पलट दिया। साउथहैम्पटन के रोज बाउल में 100 लीग के 24वें मैच में साउदर्न ब्रेव और ट्रेंट रॉकेट्स की टीमें आमने सामने थीं। इस मैच में ट्रेंट रॉकेट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 126 रन बनाए। ओपनर टॉम बेंटन ने सबसे ज्यादा 30 रन की इनिंग खेली। 127 रन के हदफ के ताकों में साउदर्न ब्रेव ने हदफ 99 गेंदों पर 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। साउदर्न ब्रेव की जानब से कैरन पोलार्ड ने 23 गेंदों पर 45 रन की इनिंग खेली, जिसमें 2 चौके और 5 छक्के शामिल थे। और इन 2 चौके और आखिरी 5 छक्कों की ही बुनियाद पर कैरन पोलार्ड ने जीत अपनी टीम की अपने नाम की। और एक ऐसे बॉलर को, एक ऐसे लेग स्पिनर को मार पड़ी, एक ऐसे लेग स्पिनर को 5 छक्के जड़ दिए, जो बहुत बड़े बड़े बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचाया करते हैं।